राजद प्रवक्ता मृत्युंजय कुमार तिवारी ने कहा है कि बिहार सरकार ने केवल लॉलीपॉप दिया है, जहां शिक्षक भी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि केवल चुनाव के चलते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसी घोषणा की है। आइए सुनते हैं क्या कहा है मृत्युंजय कुमार तिवारी ने। बिहार सरकार ने चुनाव के समय लॉलीपॉप दिखा करके शिक्षकों की नाराजगी दूर करने का प्रयास किया है, ये संभव नहीं है। शिक्षकों की नाराजगी और बढ़ी है। शिक्षक समझदार वर्ग होते हैं और शिक्षकों को ये पता है कि सरकार ने उन्हें ठगा है। शिक्षक खुद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सरकार ने जो घोषणा किया उसको भी ठीक से अमल नहीं किया। सभी लोगों को ठगने का काम सरकार कर रही है। खिलाड़ियों को भी लॉलीपॉप दिखा रही है, ये नहीं बता रही है कि 6 वर्षों से खिलाड़ियों की नियुक्ति बंद क्यों थी, किन अधिकारियों के कारण ये बंद हुई नियुक्ति, उन अधिकारियों पर सरकार कार्रवाई करे। शिक्षक समझदार हैं, शिक्षकों को ये अच्छी तरह से पता है कि सरकार ने चुनाव के समय ये लॉलीपॉप दिखाया है। अब शिक्षकों की बारी है सरकार से बदला लेने की। हमारी सरकार आएगी, तेजस्वी यादव जी की सरकार शिक्षकों के हर मांग को पूरा करेगी। जो भी मांगे शिक्षकों की है उनको उचित मान और सम्मान मिलेगा। शिक्षकों पर बिहार सरकार ने लाठियां बरसाई थी, FIR किया था, अत्याचार किया था, वो हमारे शिक्षक बिहार के नहीं भूले हैं अभी तक।